चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। बॉलीवुड के बाजीराव, बॉलीवुड के खिलजी, बॉलीवुड के राम, बॉलीवुड के गली बॉय यानी कि रणवीर सिंह आज मना रहे हैं अपना 35th बर्थडे। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं रणवीर सिंह से जुड़ी कुछ खास बातें और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे रणवीर और दीपिका की हुई थी पहली मुलाकात और वो खूबसूरत पल रणवीर को क्यों आज भी बिल्कुल अच्छे से याद है। आपको बता दें कि रणवीर सिंह एक्टर से पहले एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के लिए कॉपी राइटिंग का काम करते थे। बॉलीवुड में आने से पहले उन्हें 3 फिल्मों से रिजेक्ट किया गया था। बाद में 2010 में उन्हें आदित्य चोपड़ा ने बैंड बाजा बारात में ब्रेक दिया, जिसमें उन्होंने अनुष्का शर्मा के साथ काम किया। उस समय बातों का बाजार गर्म था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। खैर, बाद में ये बातें बातें ही रह गई और दोनों अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए। जब से रणवीर सिंह ने अपना करियर शुरू किया, उसके बाद उन्होंने एज एन एक्टर अपना मेटल जो है वो प्रूव करके दिखाया और ये सबको बता दिया कि उनकी एक्टिंग में कितना दम है। 2010 में उन्होंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज उनके नाम बॉलीवुड की कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्म्स हैं, जैसे कि रामलीला, जैसे कि बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गली बॉय और ना जाने कितनी और फिल्में, जिसमें सिम्हा का भी नाम शुमार है। और सबसे खास बात ये कि उनकी और दीपिका पादुकोण की लव स्टोरी जो है वो लोगों को काफ़ी पसंद है, इस वजह से वो दो हमेशा ही लाइमलाइट में रहते हैं। उनको हस्बैंड ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है। दीपिका से काफ़ी प्यार करते हैं वो और इसका प्रूफ उनकी पिक्चर्स हैं। लास्ट ईयर दीपिका ने उनकी चाइल्डहुड पिक्चर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके उन्हें बर्थडे विश किया था और इस बार भी हमें इंतज़ार है कि क्या दीपिका उनके लिए कुछ खास प्लान करने वाली हैं। ऐसे में हम आपको ये भी बता दें कि दीपिका और रणवीर की पहली मुलाकात काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तब दीपिका रणवीर को पर्सनली नहीं जानती थी और ऐसा फ़ैन रणवीर ने दीपिका को जी सिने अवार्ड्स में देखा था। एक बार उनके फ़ैन ने उनसे पूछा कि उनको इतनी छोटी छोटी डिटेल्स कैसे याद है दीपिका के बारे में, तो इस पर रणवीर ने जवाब दिया कि अपनी ड्रीम गर्ल को देख कर क्यों नहीं मुझे छोटी छोटी डिटेल्स याद होगी। रणवीर ने एक्सप्लेन किया कि जब उन्होंने पहली बार दीपिका को देखा था तो उन्होंने सिल्वर कलर का गाउन पहना हुआ था और वो एक फैन बॉय की तरह उनको देखते ही रह गए थे। दोनों की दोस्ती तब गहरी हुई जब 2013 में उन दोनों ने रामलीला में काम किया और उसके बाद उनका प्यार परवान चढ़ गया और आज ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कपल्स में से एक है। तो ये थी रणवीर सिंह की स्टोरी जो हम सभी को इंस्पायर करती है और हम तो उनको विश करना चाहेंगे अ वेरी हैप्पी बर्थडे। वो इसी तरह हमें इंटरटेन करते रहे और अपनी लाइफ में शाइन करते रहे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कुछ और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए वन वर्ल्ड न्यूज़ के साथ।